सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग होने वाला है हमारा, ये आप पीछे देख ही सकते हैं, ये हमारा बैगन का प्लॉट है और इसमें निदाई चल रही है, तो बैगन पे प्लॉट पे होने वाला है। और ये जो हमारा बैगन है वो 45 डेज़ का हो चुका है, तो ज़्यादा कंटिन्यू बारिश हो रही थी, तो इसके कारण हम इसमें खाद वगैरह कुछ डाल नहीं पाए, तो वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी नहीं किया है और अच्छे से ठीक से चालू भी नहीं हुआ अभी, क्योंकि 45 डेज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लांट बन जाता है, बट इसमें डेली बारिश के कारण वो ठीक से बन नहीं पाया। और हमारी थोड़ी ज़मीन है, इसमें चीवान भी रहती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हमारा 2 एकड़ का प्लॉट है बैगन का, उधर पीछे निंदाई चल रही है। तो ये हमारा बैगन, ये 45 डेज़ का हो चुका है बैगन का प्लांट। ज़्यादा बारिश होने के कारण काफ़ी ग्रोथ ठीक से नहीं कर पाया, और ये बिना ड्रिप मल्चिंग के लगाया हमने। ये जो हमारा बैगन का प्लॉट है, ये 2 एकड़ का है पूरा, इसमें 13,000 प्लांट लगे हुए हैं। ये 3 फीट की दूरी पे, और इसकी प्लांट से प्लांट की दूरी 1.5 फीट है, और इधर बेड से बेड की दूरी 3 फीट की है। ये आप देख सकते हैं, इधर पूरा प्लॉट है हमारा बैगन का, इसमें कहीं कहीं फूल आना स्टार्ट हो चुके हैं। ये नीये दिख रहे हैं तो छोटे छोटे, ज़्यादा बारिश के कारण ठीक से ग्रोथ कर नहीं पाया ये पूरा प्लॉट। इसमें हमने सिर्फ 2 या 3 ही स्प्रे किए, एक मच्छर मार का और एक टॉनिक का। और मेरे पीछे आप देख सकते, इधर भरा हुआ है पानी, इसमें हमने लगाए थे लाल तुअर, बट पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि लाल तुअर का पता नहीं है किधर गई, क्योंकि साइड में नाला है। और इस साल बारिश ज़्यादा होने के कारण इधर हमारा जो 1.5 एकड़ का प्लॉट है उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, और उधर हमारी खीरा ककड़ी भी टूट रही है, उसका लास्ट तोड़ा है। ज़्यादा बारिश होने के कारण उसके पत्ते भी सारे ख़राब हो चुके हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ चल के। ये हमारा खीरा का प्लॉट, और इधर टूट रही है खीरा, और इधर हमारे एजाज भाई जो हैं इस पे लेटे हुए हैं, और इधर आपको दिखाता हूँ मैं खीरा, देख सकते हैं उधर से टूट के इधर आ रही है खीरा। ये देखिए क्वालिटी तो ठीक है, क्वालिटी ख़राब हुई नहीं है, बाकी जो इसके पत्ते हैं सारे वो मैं ख़राब हो चुके हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इधर से खीरा टूट के हमारी इधर, ये इधर टूट के आ रही है खीरा। तो इधर ये मेरे पीछे लगा हुआ खीरा का प्लॉट, और ये हो चुका है पूरा ख़राब। तो इधर ककड़ी टूट भी रही है, इधर आपको दिखाता हूँ मैं। तो इधर देखिए, इधर का प्लॉट पूरा पीला पड़ चुका है, कहीं कहीं है हरा हरा है ग्रीननेस। और इधर ये लगा हुआ माल, ये देखिए खीरा लगी हुई है, इसमें हो गई कैल्शियम की कमी इसलिए मुड़ गई है। और ये देखिए लगा हुआ माल तो काफ़ी निकल भी रहा है, और अच्छा निकलेगा माल। ये देखिए पूरा प्लॉट इधर टूट रही है, कहीं कहीं इधर ग्रीननेस है, कहीं कहीं पूरा प्लॉट येलो हो गया। और ये पानी ज़्यादा होने के कारण ये बेला हमारी पूरी सूख चुकी है, क्योंकि इसकी जो जड़ है नीचे से ये पानी में ये पूरी गल गई है, देखिए। तो इधर आ चुका है हमारा पूरा माल टूट के, और अब आ रही है गाड़ी, और उसमें रख के को पैकिंग करने के लिए लेके जाएंगे। सो इधर आ चुकी है हमारी गाड़ी, और ये माल, इसको गाड़ी में लेके अब हम जाएंगे घर, और घर से फिर बनाएंगे 15-15 किलो के पैक। इधर आ गया माल, और अब इसकी होगी पैकिंग, 15-15 किलो के बनेंगे। तो इधर नीचे कर दिया पूरी हमारी जो खीरा ककड़ी है उसको पूरा खाली, और इधर 20-20 किलो के पैकिंग बनेगी अब।